पूरे देश में जाना माना हॉस्पिटल है मेदांता, जहां लोग काफी उम्मीद से पहुंचते हैं कि यहां रोगी का हर संभव इलाज संभव होगा। लेकिन पटना के मेदांता हॉस्पिटल में ठीक इसके विपरीत देखने को मिला, जहां रोगियों को परिजनों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा और मनमाने ढंग से पैसे लिए जा रहे हैं, जिसका विरोध परिजनों की तरफ से किया गया, यहां तक कि रोड भी जाम किया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए। सर एक पेशेंट का यहाँ सब पेशेंट का तो वही हाल है सर। अरे यार मेरा वो नहीं कर रहे, आप संतुष्ट होते इलाज करें, मेरा काम हो गया उस सर। काम कर दो कोई जवाब नहीं मिल रहा, ले जा नहीं पाएंगे, नहीं ले सकते। सर एक पेशेंट का यहाँ सब पेशेंट का तो वही हाल है सर। अरे यार मेरा वो नहीं कर रहे, आप संतुष्ट होते इलाज करें, मेरा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, पटना के विधायक नितिन नवीन, नंदकिशोर यादव, संजीव चौरसिया ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हुए और ये 9 साल उपलब्धियों से भरे रहे हैं। सांसद रविशंकर प्रसाद ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना पर मारे गए लोगों के लिए संवेदना व्यक्त की। सांसद ने कहा कि रेल मंत्री खुद वहां 3 दिनों से बैठे हैं, भारत सरकार और उड़ीसा सरकार दोनों ही बचाव कार्यों में तेजी से लगे हुए हैं और इस बात की भी मुकम्मल जांच की जा रही है कि आखिर किन वजहों से यह दुर्घटना हुई है और राहत कार्यों को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही बरती नहीं जा रही। पहले हम आपके सामने जो ट्रेन की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है उसके प्रति जो मरे हैं उनके लिए हम अपनी संवेदना देते हैं, जो घायल हैं जल्दी ठीक हो जाए। इस त्रासदी में एक नई बात देखने को आई कि शायद पहली बार प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर गए देश के इतिहास में और पूरे राहत कार्य को देखा, घायलों से मिले। वहां रेल मंत्री स्वयं बैठे हुए 3 दिनों से, धर्मेंद्र जी भी गए हैं, एम्स के डॉक्टर गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुखिया जी भी गए हैं। तो जिस प्रकार से पूरे भारत सरकार और स्वयं उड़ीसा की सरकार मिलकर काम कर रही है तो राहत का काम बहुत तेजी से चल रहा है, हम उनके लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। इसलिए कल का हमारा सब कार्यक्रम देश भर का स्थगित हो गया। मित्रों, हम आपके बीच में क्यों आए? नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा था जब 14 में बनी थी कि हम हर साल अपने काम की रिपोर्ट आपको देंगे। याद होगा उनकी एक कहानी थी जब वो 14 में संसद हॉल में चुने गए थे कि हम देश के लिए काम ही नहीं करेंगे, हर साल रिपोर्ट देंगे। उसी लिए 15 से सिलसिला चल रहा था, मुझे भी केंद्रीय मंत्री के रूप में कई जगह जाने का सौभाग्य मिला था। कोरोना के कारण 2 साल यह कार्यक्रम नहीं हुआ था, आपको मालूम है सेवा कार्य चले थे, पिछले साल से शुरू हुआ, आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। लोकप्रिय और संघर्षशील नेता और 2 बार वार्ड पार्षद रह चुके दिवंगत तोता चौधरी की स्मृति में कंकड़बाग के अशोक नगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। आयोजन में भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, स्थानीय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में इलाके की जनता शामिल हुई। माले महासचिव ने इस मौके पर कहा कि देश में अमृत काल नहीं आफत काल चल रहा। उन्होंने कहा कि संसद में सेंगोल का क्या काम है, लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक का क्या काम है। देश की जिन बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया अब उन्हें न्याय तक नहीं मिल पा रहा। बीजेपी सांसद बृजभूषण सरन सिंह पर पोक्सो एक्ट के तहत भी FIR हुआ है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई, उल्टे आंदोलनकारियों पर ही पुलिस का दमन ढाया जा रहा है। लोकतंत्र बचाना गरीबों का एजेंडा है, अमीर वर्ग को राजतंत्र से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नई शिक्षा नीति शिक्षा को एक कारोबार में बदल देने और गरीबों को शिक्षा से दूर करने की एक सोची समझी साजिश है। हमारे कमेटी के सदस्य और ऑस्ट्रेलिया के नेता
कांग्रेस अनिता सिन्हा, नगर समिति के सदस्य